जब रात को कन्या रोती है तो माँ कहती है बेटी मेरी सो जा, वरना आ जाएंगे मस्ती ज्यादे। बारह मुल्कों की चिप्स मेरा ढूंढ रहे वरना उनके न बदलना। किसी के हाथ न आए मस्ती ज्यादे, ओ मस्ती में तो हम तुम्हारे, ओ मस्ती में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मस्ती के किंग हम हैं, मस्ती के सिंगम हैं, मस्ती में वेलकम हैं मस्ती ज्यादे। किंग हम हैं, सिंगम हैं, सिंगम हैं, किंगम हैं मस्ती में वेलकम हैं मस्ती ज्यादे। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, और तुझे ढकने के लिए तो मम्मी की पुरानी साड़ी है। यारों जहाँ भी हम खड़े हो जाते हैं, पीछे से गुड़ियों की बड़ी लंबी सी लाइन लग जाती है। कमिटमेंट तो खुद की तो छोड़ो, फिर दबंग भाई की भी हम नहीं सुनते। सर्विस अवेलेबल है 24/7, एक बार ले लोगे तो फिर शिकायत का मौका नहीं देंगे। ओ मस्ती में तो हम तुम्हारे, ओ मस्ती में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। किंग हम है, मस्ती के सिंगम है, मस्ती में वेलकम है मस्ती ज्यादे। किंग हम है, सिंगम है, सिंगम है, किंगम है मस्ती में वेलकम है मस्ती ज्यादे। मस्ती के किंग हम है, मस्ती के सिंगम है, मस्ती में वेलकम है मस्ती ज्यादे। किंग हम है, सिंगम है, सिंगम है, किंगम है मस्ती में वेलकम है मस्ती ज्यादे। ये सारी लड़कियां लाइन में क्यों खड़ी हुई हैं? आई नो, लाइन में खड़े रहकर ये सब चाहते कि तुम इन पर लाइन मारो, राइट? नहीं पगले, सिर्फ लाइन नहीं, ये सारी चाहती है कि ये दीप इन्हें बीप करे। बीप मतलब? समझा तू, क्या है ना कि मुझे समाज की बड़ी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और पर बुरा असर पड़े, इसलिए मैं सारे गलत वर्ड को अपने आप ही बीप कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को गाली देनी हो तो मैं कहता हूँ कि तू कितना बड़ा पीप है, और तू इससे भी बड़ा पीप। Why don't you both peep off? वगैरह वगैरह। ये दोनों लड़कियां कौन हैं? ये मेरी राइट हैंड है और ये लेफ्ट। तू राइट वाली है ना, उधर खड़ी रहना। तू आता है ये बार बार चेंज मत करो यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं कह रहा था ये मेरी राइट हैंड है और ये लेफ्ट, कभी मैं राइट को यूज करता हूँ और कभी लेफ्ट हैंड को, कभी कभी दोनों को। यार बीप, आई मीन सॉरी दीप, एक बात बता, कॉलेज के दिनों में तू लड़कियों के मामले में भिखारी था, यार तू ये भिखारी से शहजादा कैसे बना? शहजादा नहीं, मस्ती ज्यादा। मस्ती ज्यादा क्यों? जिसे दुनिया कहती है खराब ज्यादा, जिसे प्यार से लड़कियां कहती है और ज्यादा, वही होता है असली मस्ती ज्यादा। अरे दीप, हमें भी तेरी तरह मस्ती ज्यादा बनना है। सिंपल रूल फॉलो करो,
हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान लिया करो, वरना आने वाली खुशी निकल ही जाती है। तूफानी रात थी, मैं बूढ़ी औरत को घर पे छोड़ रहा था। उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, बेटा बारिश बहुत हो रही है, तू यही क्यों नहीं सो जाता? इनफैक्ट तू बंटी के कमरे में सो जा। मैंने कहा, बंटी? नहीं आंटी, मैं बाहर ही सोफे पे सो जाऊंगा। और मैं सोफे पे सो गया। फिर सुबह हुई। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बांटी। आप बांटी है? हाँ, और आप? अगर आप बांटी है तो फिर मैं बीबिया हूँ, बहुत बड़ा बीबिया। एक्सक्यूज मी। मस्ती ज्यादा हो, बाहर जा और दुनिया में अपने झंडे गाड़ दो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम्हारा दोस्त तुम्हें यही खड़ा मिलेगा वन नाइट स्टैंड पे। अरे जाओ ना, यहाँ क्या बैठे, चलो। मैं हूं डॉक्टर माल खोलकर, जो सेक्स का कीड़ा मार खोल कर निकाले। सेक्स एडिक्शन एक असली बीमारी है, जिसमें बीमार हर दम हवस यानी कि लस्ट की जकड़ में रहता है। उसे हर दम सिर्फ एक बात सूझती है, सेक्स। आप लोगों को सेक्स एडिक्शन से बचाने के लिए मैंने ये रीहैब शुरू किया है। पिछले हफ्ते मैंने हमारे ग्रुप मेंबर्स को होमवर्क दिया था, एक रिपोर्ट बनाने का, जिसमें सेक्स एडिक्शन के खतरे, उनकी वजह और उनसे मुकाबला करने के तरीके बताएं। और सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे मिस्टर आदित्य चोटिया और सनी केले, जिन्होंने हमारे ग्रुप को कुछ ही हफ्ते पहले ज्वाइन किया है। दुनिया का सबसे बदनाम फ्रूट है एप्पल। इतिहास ने हमें सिखाया कि एक एप्पल की वजह से एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, लेकिन सच तो ये है कि एडम एक एप्पल की वजह से नहीं बल्कि अपने बनाना की वजह से मुसीबत में पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बनाना। जब भी औरत या मर्द फिसलते हैं उसका रीजन बनाना ही होता है। Yes! हम दोनों की फिलॉसफी सिंपल है, अपना पौधा लगाना हो तो ऐसी जमीन ढूंढनी चाहिए जो पहले से ही रेडी हो। झूठे सेक्स एडिक्ट बनकर एप्पल को दोष देना तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि पूरी दुनिया का नेशनल फ्रूट तो उल्लू बनाना है। मैं जानता हूँ कि लोगों की कमजोरी का इस तरह फायदा उठाने वालों को दुनिया खराब ज्यादा कहती है, लेकिन हम खराब ज्यादा नहीं है, हम तो बस मस्ती ज्यादा है। टेबल पे पड़ी फोटो तुम्हारे पति की है? हाँ, नो जानू। अच्छा, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की होगी? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओ, तो ये तुम्हारा बेटा है? ई, आई मस्ट से तुमने अपने आप को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ओहो, मेरा कोई बेटा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा भाई है, बड़ा है कि छोटा? जानू, मेरा कोई भाई नहीं है। मामा? नो। चाचा? नहीं। तो फिर जरूर पड़ोसी होगा, करेक्ट? रॉन्ग। अरे तो फिर किसकी फोटो लगा रखी है अपने रूम में, और वो भी अपने बेड के इतने पास? ओ जानू, वो मेरी
खुद की फोटो है, ऑपरेशन से पहले खिंचवाई थी। आप हमेशा इसी तरह नंगे ही भागते हो? क्या है ना कि I love it, I feel very free. तुम हमेशा कॉन्डम पहन के भागते हो? हाँ, नहीं, हमेशा नहीं, सिर्फ बारिश के मौसम में, हाँ, ताकि भीग ना जाए। गाइस, बट यार तुम दोनों की सेक्स लाइफ कितनी एक्साइटिंग है यार। मुझे तो सेक्स किया अरसा हो गया। गलती तेरे माँ बाप की ही है, उन्होंने तेरा नाम रखा है शेखर। क्या यार, तब से तू शेखर ही है। यार मुझे भी थोड़े टिप्स दे दो यार। ना ना पगले, सुपरमैन तुमको सिर्फ पैंट के ऊपर चड्डी पहनना सिखा सकता है, उड़ना नहीं। हम अपने सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए। सुपर पावर्स? यस। मैं नहीं समझा। समझाता हूँ। सुपरमैन के पास एक्सरे है, लेकिन हमारे पास चिक्सरे है। चिक्सरे? हाँ। यार मैं फिर नहीं समझा यार। रुक, नमूने, तुझे नमूना दिखाते हैं। वो देख, वो मैडम ने पिंक पहना। और वो देख, अप एंड डाउन दोनों में उसने ग्रे पहना। दिखता है ना? यार मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा यार। एक मिनट। दिख रहा है ग्रे बाबा। चिक्स रे। क्या पावर है यार। अरे बेटा, हमारे चिक्स रे को खत्म करने वाली और हमारे पावर से बचने वाली लड़की आज तक पैदा नहीं हुई है। एग्जैक्टली, आज तक पैदा ही नहीं हुई है। ऑल नाइट लॉन्ग तुझे देखते हैं सारे। आज क्या चाहिए छोटू? क्या? आज क्या चाहिए छोटू? संतरे। क्या? मुझे जूस बनाना है, हेल्दी होता है ना। बाय द वे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं ना किया? नो नो, नॉट एट ऑल। मैं अपनी पुस्की के साथ खेल रही थी। किसके साथ खेल रही थी? पुस्की? You like puskies, right? I love them. You know, छोटी सी, प्यारी सी। Actually, मैं उसके साथ इंटरनेट पे स्काइप कर रही थी। पुस्की। चलो ये लो, अच्छी तरह जूस निकालना। अच्छी तरह जूस निकालूंगा। बाय द वे, कभी आपको वक्त मिले तो मेरे घर आओ ना। मैं आपको चावल दूंगा, फिर डाल दूंगा। क्या दाल? माँ के हाथ की दाल। ओके ओके, चलो, मेरी पुस्की बुला रही है। ओके, बाय छोटू। बाय बाय। ले ले, प्लीज ले ले। Hey Lily, sorry मैं लेट उठी।
इसीलिए तुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल पाई. सो गुड लक एंड दोनों बॉल संभाल के पकड़ना. बाय. गंदे फुटबॉल्स के साथ खेलना किसी को अच्छा नहीं लगता. तो हम अपने बॉल्स कैसे साफ रखें ताकि सबको खेलने में और ज्यादा मजा आए? बताती हूँ. अब फाइनली एक ऐसी चीज है जो लोगों के बॉल्स साफ कर सकती है. मिस्टर सफाई का नया बॉल्स क्लीनर. पहले क्यों ना इन गोल्फ बॉल्स के साथ शुरू करें? जो अपने बॉल्स साफ करवाना चाहता है? मैं तुझे बड़ी जल्दी अपने बॉल साफ करवाने की. शेखर तू समझ नहीं रहा, ये लड़की दूसरे लड़कियों से अलग है. अलग कैसे? इस पे मेरा चिक्सरे नहीं चल रहा. मिस्टर सफाई का बॉल्स क्लीनर. साफ बॉल से खेलने का मजा ही कुछ और है. ओके मैं जाती हूँ. ऑलराइट बाय बाय. कैमरा दे लो. हट मोटे. एक्सक्यूज मी. आदित्य सुपर्ब. क्या आइडिया थी कैंपेन के लिए? आउटस्टैंडिंग. भोसड़ी वाला मैं एक मिनट में आता हूँ, आप सारा कैंपेन संभालिए. आदित्य जब तुम मुझे भोसड़ी वाला बुलाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. आप मेरे बॉस हो, आपका नाम डी वाला है, आपको भोसड़ी वाला नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? कॉल मी बाय माय रियल नेम. दिल. दिल खड़ा वाला. माय फुल नेम इज दिल खड़ा वाला. लेकिन सरनेम मेरा खड़ा वाला था और लोग मुझे चिढ़ाते थे तो मैंने खड़ा निकाल दिया, सिर्फ दिल रखा. अब मैं सिर्फ दिल वाला हूँ. डिफरेंट. सर मुझे थोड़ा काम है. काम से याद आया आदित्य, नई पार्टी आई है, बहुत मालदार है, कल सुबह ऑफिस आ रहे हैं. और ये सनी कहाँ है? सर बाहर गन्ने का जूस पी रहा है. यार ये सनी जब देखो तब गन्ने का जूस पीता ही रहता है. एनीवे कल तुम और सनी दोनों ऑफिस में ऑन टाइम. यस 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 दिल. कसम चुटिया क्या सेट लगाया है. कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल माँ पे गया है. थैंक यू. वैसे भी इसका बाप इसे पैदा करके भाग गया. कौन सा गधा आपके बच्चे का बाप नहीं बनना चाहेगा. काश मैं 40 साल जवान होता. काश मैं जिंदा होता. बेटा तुम ठीक हो ना? चलो अब उठाओ इसे. लूजर. यहाँ पर एक सेक्सी लड़की जा रही थी साड़ी में, तूने देखा उसको?
वो स्पेशल है, मुझे ढूंढना है उसको। जिंदगी में पहली बार मेरा चिक्स रे फेल हो गया। मेरा भी। ए, तेरी भाभी है वो, ऐसा मत बोल। अरे मैं तेरी वाली नहीं, मैं मेरी वाली की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार मेरा चिक्स रे फेल हुआ है। गई कहाँ दोनों? अरे फिक्र मत कर यार, मिलना लिखा होगा तो मिल जाएंगी। मैं भी भगवान का ये आइडिया है या तरीका है हमें ये बताने का कि बेटा इससे पहले कि रब ने बना दी जोड़ी, चढ़ लो दो या तीन और घोड़ी। हेलो फ्रेंड्स, नशा दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक आदत है, और एस्पेशली जब वो नशा शराब का हो। ताकि कोई अपने मुंह में कोई गलत चीज ना डाले, इसीलिए मैंने सबको लॉलीपॉप डालने के लिए दिया है। हम दोनों को ये आदत हमारे डैड की डेथ के बाद हुई। जैसे ही वो भगवान को प्यारे हुए, हम बोतल को प्यारे हुए। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई? हमारे पिताजी ने एक सेक्सी सेक्रेटरी को काम पे रखा था। 10 दिन बाद उन्होंने अपने ऑफिस के 14th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी। Why, why, why? पिताजी ने सब कुछ किया। सेक्रेटरी के लिए 2 लाख की गाड़ी ली, 10 लाख का एंगेजमेंट रिंग, 10 लाख, 3 करोड़ का फ्लैट, और इतनी सारी खुशी के बाद एक दिन पिताजी ने पूछा, सुनो हम मस्ती करें? और उन्होंने बोला हाँ। मैं 1 रात के लिए 1000 रुपए चार्ज कर, और पिताजी ने अपनी जान दे दी। लेकिन फ्रेंड्स, हम दोनों ने 6 महीने से शराब को छुआ तक नहीं है। वेरी गुड। लेकिन हमें ये तो बताओ कि तुमने ये किया कैसे? बताते हैं। ओ खुदाई जी, दारू। आई 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 सर, तुम दोनों इधर क्यों लाए? वही तो हमारा सीक्रेट है सर। सही टेस्ट तो तब होता है जब दारू सामने हो और इंसान फिर भी कंट्रोल करे। और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके हाथ में बोतल होगी, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करें। उस बोतल के ढक्कन को कोई खोलेगा, फिर भी आप कंट्रोल करेंगे। बोतल के दारू को कोई ग्लास में डालेगा, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। उस ग्लास में कोई 2 क्यूब आइस डालेगा, फिर भी आप कंट्रोल करेंगे। ये मुंडे।
कटिया बस्ती ये तो बस करना चाहे मस्ती। हम चढ़ जाएंगे ऊपर ओमैन हम है सुपर बजाएंगे हम स्कूटर। हम चढ़ जाएंगे ऊपर ओमैन हम है सुपर बजाएंगे हम स्कूटर। गीला मतलब शायद आपका सीट है, शायद पहले से ही था। डोंट वरी ये है सनी और ये है आदित्य हमारे कंपनी के स्टार एड फिल्म मेकर। थैंक यू आप बस अपना प्रोडक्ट इनको दिखाइए, ऐसा एड फिल्म बनाएंगे कि आप दीवाने हो जाएंगे। दिखाओ पापा, दिखाओ। गोटी सोडा की बोतल है। हाँ। हमारी गोल गोटी सोडा की बोतल। ये भारत के गिने चुने स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, हम इसे पूरे देश में लॉन्च करना चाहते हैं। वाह। क्योंकि जब मार्बल हिलती है ना तो सोडा मचलता है। क्या बात कर रहे हो आप सर। पापा सही बात है ना कि मार्बल्स का हिलना बहुत जरूरी है। हाँ। जब मार्बल्स हिलती है ना पैशन के साथ तभी तो मुंह से आ निकलता है कि नहीं। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी गोटियों की ऐसी एड बनाएंगे कि जमाना खड़ा होकर मचाएगा। क्या ताली। पूरे महाराष्ट्र में लोग बोलेंगे सोडा सोडा अनि गोटी पकड़ा। तो सर पतली हो या मोटी पूरी जनता मुंह से लगाएगी आपकी गोटी। क्या बात है? आज से हम हमारी गोटी आपके हवाले करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी गोटी का ख्याल ठीक वैसे रखेंगे जैसे आपकी खुद की गोटी हो। सर योर गोटी इज माय गोटी। हो गया। राम 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 राम। लीला लीला ददर 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 ददर। पप्पा के ही नहीं गोटियां तो है ना। जिसका मुंह नहीं होता वो हाथ से ही काम चला ले। अबे इसे छोड़ और ये लॉमैन जीन्स पहन, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है बॉस, इसमें एम्बॉस है। चल किसी नई सेक्स एडिक्ट ग्रुप में। मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मेरे को सच में लग रहा है ना दिल से कि मैंने अपने वाली के साथ चीटिंग किया। मैंने इतनी दारू पी ली थी ना, मेरे को सच्ची में लगा कि मेरी वाली बिस्तर पे लेटकर मेरे को बुला रही है। क्या बात कर रहा है? सच बोलो मुझे भी ऐसा ही लगा, मतलब हम दोनों ने चीटिंग नहीं की। अबे क्योंकि तन चाहे किसी और के साथ था लेकिन मन को तो यही लग रहा था ना कि हम अपनी वालियों के साथ हैं, राइट? बोले है? सेक्स एडिक्ट को उल्लू बनाते बनाते तू खुद एक सेक्स एडिक्ट बन गया है। इतिहास गवाह है, बनाना को ज्यादा देर संभाल के रखो ना तो सड़ने लगता है। अब लॉमैन जीन्स पहन के मैन बन, बी द स्टार और चल करने वार। सीमा लेले वासना लतीय मदद संस्था, क्या थकेली जगह? हाँ यार यहाँ तो सिर्फ ठेंगा मिलेगा। चल चल चलते हैं। हाँ। हे लेली। हाँ? हाँ। क्या तू वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार डबल रोल। So? किसी ने सच ही कहा है,
दो में ज्यादा मजा है, एक सीता so nice. और एक गीता. हाँ मेरी वाली सीता है, तेरी गीता है. हाँ ओके ओके ओके. अरे लेकिन ये दोनों यहाँ क्या कर रही है, कहीं ये दोनों भी सेक्स एडिक्ट तो नहीं? हे, ये दोनों हमें सच में सेक्स एडिक्ट समझ बैठी तो कभी हमसे प्यार नहीं करेगी. अबे चोर थोड़ी चोर पे उंगली उठा सकता है. हुँ? अगर उनकी नजरों में हम सेक्स एडिक्ट हैं तो वो भी तो है. चलना. हाँ चल के देखते हैं. हाय एवरीवन, आई एम लैला लेले और ये है मेरी जुड़वा बहन लिली लेले. हम दोनों ये सेक्स एडिक्ट ग्रुप एक साथ चलाते हैं. लग गए, ये दोनों चोर नहीं कोतवाल है. वेल फ्रेंड्स, हमारी माँ सीमा लेले खुद एक सेक्स एडिक्ट थी. यम्मी मम्मी, अरे यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी. हमारे पापा हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर थे, उन्होंने 90% आर्मी रोल्स किए. वो रोल्स करते करते इतने पागल हो गए कि जब भी असली वॉर होती थी वो अपना फौजी कॉस्ट्यूम पहनकर महीनों तक बॉर्डर पे अटेंशन करके खड़े रहते थे. पापा वांटेड फौज एंड मामा वांटेड मौज. बाबूजी कहते थे मैं दुश्मनों को सीमा पार करके अंदर घुसने नहीं दूंगा, लेकिन रोज कोई ना कोई सीमा में घुसा रहा. फ्रेंड्स, मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट सोचा है, ये टेस्ट करने कि आप लोग अब भी सेक्स एडिक्ट हैं या नहीं. सिक्का हिला तो फेल. आई होप यू फेल. दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, ईमान तेरा ले लेगी. ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी ले लेगी, दिल तेरे ले लेगी. Very good. आदित्य, आदित्य, वेरी गुड आदित्य. तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल देखकर आई एम सो हैप्पी. देखो टूटता हुआ तारा. वाओ, कहते हैं टूटते हुए तारे को देखकर जो भी मांगो मिल जाता है. तुम भी कुछ मांगो ना. गोल गोटी सोडा, छोटा नहीं बड़ा मजा दे. इतनी जलील और बेहुदा चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी. अरे मैंने भी नहीं. ये एड देखकर कौन से माँ बाप अपनी बेटी को हमारा सोडा पीने देगा. आप दोनों पर भरोसा करके हमने हमारी गोटी आपको सौंपी थी और आपने हमारी गोटी के साथ गंदा खिलवाड़ किया है. नहीं नहीं सर, हमने आपकी गोटी के साथ कोई गंदा खिलवाड़ नहीं किया है. कसम छुटिया की, एक मौका और दे दीजिए, हम आपके लिए साफ सुथरी और पारिवारिक एड बनाएंगे. जब तक ये दोनों आपकी कंपनी में है हम हमारी गोटी आपको नहीं देंगे. अरे नहीं देंगे तो फिर कसम छुटिया की, हम आपकी गोटी के लिए इन दोनों को कंपनी से निकाल देंगे. अबे साले साले ढोंगी पाखंडी, तुम क्या तथास्तु से पैदा हुए थे क्या?
बचपन में गोटी खेलने के बाद बड़े होके क्या बंद कमरे में गिल्ली डंडा नहीं खेला? Shut up, don't get personal. Shut up. और तुम अबे सफेद भालू के जुड़वे गोटे, तेरे को गोटी चाहिए? अब देखना, हम खुद की एड एजेंसी खोलेंगे और ऐसी एड्स बनाएंगे कि तू अपनी गोटी और चोटी दोनों पकड़ता रह जाएगा। चुप कर, तेरे नाम सुन, यहाँ से हम सीधे बैंक जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ से हमारे हाथ में बैंक का लोड होगा, तू यहाँ पर अलोन रहेगा, अलोन। बाहर फेंको। आज तो लेके रहेंगे लोन। हाँ, कसम चुतिया की। हाँ। हेलो सर, हमारा अपॉइंटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर के साथ लोन के लिए। लिफ्ट डोर वाली, प्लीज कम इन। तितली पूपना, नाइस टू मीट यू गाइस। आप लोग कुछ लेंगे? जी आप देंगे तो मतलब हम ले लेंगे। मेरा तो काम ही है देना। आफ्टर ऑल सबदियाना बैंक की एसोसिएट मैनेजर जो हूँ। हमारा तो सिर्फ एक ही मोटो है, रात हो या दिन बस देते रहो। तितली जी, प्लीज। तितली जी बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, जस्ट कॉल मी तितली। तितली, ओके ओके। तितली, हमें कुछ खोलने में आपकी मदद की जरूरत है। क्या खोलना चाहेंगे आप? खुद की एड एजेंसी। क्या है ना कि जहाँ हम काम करते थे वहाँ हम ब्रेस्ट बाबा ब्रेस्ट एड्स बनाते थे। एक्साइटिंग, आई लाइक यू गाइस। अब मैं आप दोनों को खुशी खुशी दूंगी लोन। ऑफ कोर्स मैंने तो बर्गर के साथ फ्राइज भी मंगवाए थे। कहाँ है? एक मिनट वो छाया में वो सूरज का। I'm so silly. We are very smart. ऑप्टिशियंस, ताकि ना हो आंखों की गुस्ताखियां। फ्रेंड्स, हम कुछ दिनों के लिए सेक्स एडिक्शन सेमिनार के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और यहाँ से हम दो हेल्पर्स अपने साथ ले जाएंगे। इन दो हेल्पर्स का सिलेक्शन लकी ड्रॉ से होगा। आदित्य चोटिया एंड सनी खेले।
खाले अब ताली बजा चल देख तो लो और किस किस के नाम थे सनी केले आदित्य छोटिया सनी केले सनी केले उठा के तूने कर दिया दिल को डायनामाइट डायनामाइट ओ स्कर्ट उठा के तूने कर दिया दिल को डायनामाइट और फक 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 की राना इश्क हुआ है ओवरनाइट ओवरनाइट है मुझे ब्लू ब्लू सपने आते हैं और टिकल करके जाते हैं मेरे प्यार का है सारा मैजिक जो मेरा रोम रोम Words. You know, Leela, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की से वो तीन मैजिकल वर्ड्स कहूंगा लेकिन लैला आई लव यू आई लव यू आई डोंट बिलीव यार लैला
तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो तीन मैजिकल वर्ड्स सुनने। हाँ सनी, वो तीन मैजिकल वर्ड्स आई लव यू नहीं है, वो तीन मैजिकल वर्ड्स लैला मुझे दे दो, लैला मुझे दे दो। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ, और वो भी एक ऐसी लड़की से जो प्यार के बारे में वही सोचती जो पहले मैं सोचता था। वो लिली के साथ ये ग्रुप सोशल सर्विस करने के लिए नहीं चला रही, वो भी हमारी तरह सेक्स एडिक्ट्स का फायदा उठाकर मजे लेती है। कहती है नो कमिटमेंट ओनली एंटरटेनमेंट, नो सुहाग ओनली रात, नो मंगल सूत्र ओनली कामा सूत्र। ओके एवरीवन, असेंबल, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। चलो 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 बैठो, लेट्स गो। टुडे आई हैव सम ग्रेट न्यूज। आज मैं आप सबको खोल कर दिखाना चाहती हूँ कि मेरे दिल में कौन रहता है। लगता है तेरी बात कर रही है। He is not perfect, but he's perfect for me. मंगेतर देश प्रेमी से। मेरी सिर्फ तीन मोहब्बतें हैं, मेरी धरती माँ, मेरी धरती माँ और मेरे होने वाले बच्चों की माँ। आपने धरती माँ दो बार क्यों बोला? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है और मेरी माँ का नाम भी धरती है। देश प्रेमी का बचपन से ही सपना है आर्मी ज्वाइन करके कंट्री की सेवा करने का, लेकिन बचपन में ही पैरालिसिस हुआ। शहीद क्यों नहीं हुआ? क्या? सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, आगे बताइए। उसके बाद उठ नहीं सकता। क्या उठ नहीं सकता? देश प्रेमी उठ नहीं सकता। मुझे तुम्हारे प्यार पे पूरा भरोसा है डार्लिंग, मुझे पता है तुम जब किसी का एक बार पकड़ लेती हो ना हाथ, तो फिर उसका नहीं छोड़ती हो हाथ। एक बार हमारी शादी हो जाए तो मैं ऑटोमेटिकली उठ जाऊंगा। तुम दोनों की शादी हो रही है? हाँ, अगले हफ्ते पटाया में। एंड बाय द वे, आप सब वेडिंग पे इनवाइटेड हो। वैसे कोई जरूरी नहीं है, नहीं आना है तो मत आना, लेकिन अगर आ रहे हो तो एक बात याद रखना, अगर मेरी लिली की तरफ किसी ने भी लाइन मारी तो पहले मारूंगा इंसान की तरह, फिर मारूंगा तूफान की तरह, एंड फाइनली मारूंगा सलमान की तरह। क्योंकि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं गोदी में बिठाता हूँ और चलाता हूँ। क्या? मेरा जॉयस्टिक, व्हीलचेयर का जॉयस्टिक। Come on baby, let's go. Bye समुंदर, ब्यूटीफुल गधा,
अरे इसको टाइम पूछना, मुझे अपनी घड़ी सेट करनी है यार। यार पटाया टाइम कोनिचिवा, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज। अरे इसने गधे के उसको छूकर टाइम कैसे बता दिया? दोबारा पूछ कर देख। सस्वियाखा, कैन यू टेल मी टाइम अगेन प्लीज। It's 10:40. Sir, how can you tell the time by just touching the donkey's balls? घंटा हिला तो घंटा दिखा। Okay, bye. You have a ball, okay? देख, साला लंगड़ा अपनी शादी में भंगड़ा करने की तैयारी कर रहा है। क्या डंडा है? इतना बड़ा? My God, ये सब कैसे किया आपने? कैसे किया? क्योंकि मेरे दिल में ईश्वर है, सच्चाई है। आपसे करना? इसलिए भगवान ने मुझे अपाहिज तो बनाया, लेकिन चीजें करने के अलग अलग तरीके भी सिखा दिए। ऐसी चीजें सीखने के लिए मैं अपाहिज होने के लिए भी रेडी हूँ। अंग्रेजों के जमाने के एक्टर ली और लैला के पिताजी। हेलो सर, आई एम आदित्य। नमस्ते। यू आर अ शिट। सर आप हमें गाली क्यों दे रहे हैं? और मिला मेरी माँ का नाम, राम गोपाल मेरे बाप का नाम, और अशिट मेरा नाम। पूरा नाम है अशिट। यू आर अशिट। अच्छा हुआ मेरी माँ का नाम इशिता नहीं था और बाप का नाम मोहन नहीं था, वरना यू आर अशिट के बदले मेरा नाम होता आई एम अशिट। ये बार बार ऐसे डिस्किया क्यों कर रहे? मैं बताती हूँ। पहले बताओ। पापा ने आर्मी रोल्स करते करते इतनी गोलियां चलाई हैं कि कभी कभी इनके मुंह से बोली के बदले गोली निकलती है। तुमने अपने मेहमानों को मिलवाया नहीं उससे? सॉरी पापा, ये है सनी, ये है आदित्य। हेलो हेलो। यू नो वो जो सेक्स एडिक्ट डिक ग्रुप जो लैला और मैं चलाते हैं, ये दोनों मेंबर्स हैं। इन दोनों को सेक्स की बीमारी है। यू नो आई हेट सेक्स एंड आई हेट सेक्स एडिक्ट। मेरा बस चले तो हर सेक्स एडिक्ट को लाइन में खड़ा करके हम सेक्स एडिक्ट थे, अब नहीं है। आपकी बेटी ने इतना अच्छा इलाज कर दिया, हमने सेक्स करना छोड़ दिया, सोचना भी छोड़ दिया। वैसे सर बहुत अच्छा घोड़ा है आपका, नाम क्या है उसका? ब्लैकी। यस ब्लैकी। सर ये तो व्हाइट है लेकिन। अरे बहादुर शाह जफर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम। हां सर, लेकिन ये बहादुर शाह जफर ने नहीं, ये शेक्सपियर ने कहा था। एग्जैक्टली व्हाट इज इन द नेम। चलो मैं तुमको पिछवाड़ा आई मीन बैक साइड दिखाता हूं, होटल का और किसका। वेलकम वेलकम टू द वेडिंग होटल। आप तो बैक साइड ले जाने वाले थे लेकिन ये तो पूल साइड है। यूहू। हेलो बॉयज। आपकी तारीफ? मैं उनका संडास। क्या कहा? आप इनके संडास हैं? हाँ, ये मेरा सन है और इसका नाम है डास। ओ संडास।
जब देखो हिलाता रहता है। क्या? अपना ब्रश। काफी मर्द ये शौक पालते हैं ना? या और मैं मर्दों को पालता हूँ। मुझे नंगे कैनवस को अपने लंबे चौड़े ब्रश स्ट्रोक्स के साथ भरना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप मेरा देखोगे? क्या कैनवस? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। नॉटी बॉय। सी ब्यूटीफुल। कैसे मकड़ी के जाल के अंदर फंसी हुई है बेचारी मक्खी। वुश वुश। हाय फैना। ऑल नाइट लॉन्ग तुझे देखते हैं सारे। ये अपनी माँ पे क्यों गई है सीमा? तुम चाहो तो तुम भी ये दूध पी सकते हो। ठंडा है, ताजा है, मलाई से भरा हुआ है। इतनी मलाई मेरी भलाई के लिए ठीक नहीं है। आउच! ओह माय गॉड! इतना जोर से तो मुझे आज तक किसी ने फेसबुक पे भी पोक नहीं किया। सॉरी, लेकिन मेरे बैग के हैंडल ने आपको पोक कर दिया गलती से। मैं हैंडल की बात नहीं कर रहा था। आई कांट हैंडल इट एनीमोर। अतमा जी, अटक ली हवा के साथ साथ गचा के संग संग हो साथी चल। दास, काफी नोक झोंक पोक हो गया। तुम दोनों चलो मेरे साथ रिसोर्ट पे जाकर दोनों को कमरे दिखाता हूँ। कमऑन, फॉलो मी, फॉलो मी। सेम पेज। आखिर में हमने एक ही माँ का दूध पिया है ना? I want him. He's mine. एक पुल से दूसरे पुल जाते जाते शाम हो गई। अरे शादी का होटल है भाई। क्या पेड़ है नारियल? तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? उस दिन के बाद तो गायब ही हो गए। हाय आदित्य, तुम इन दोनों को जानती हो? नहीं 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 नहीं। हाँ चाचा जी, मैं इन दोनों को अल्कोहलिक्स रिहाब में मिली थी। नहीं 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 नहीं, तुमको गलतफहमी हो रही है। इनको शराब की नहीं, सेक्स की लत थी। सेक्स की लत थी, हमें पता है। क्या उस रात उस लत का पूरा मजा जो उठाया था? सर सर, हम और मजा नहीं करते थे सर। एक्चुअली बहुत ठोक, अभी ठोक, अभी कौन चुके हैं सर? नींद आ रही है। लैला, तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना तुम विश्वामित्र बनोगे उतना ही मैं मेनका बनूंगी। अगर तुम्हारी तपस्या नहीं तोड़ी तो जिंदगी भर मैं कुवारी रहूंगी। लैला, सिर्फ एक बार आई लव यू बोल दो, फिर देखना मैं तुम्हें कितनी खुशी देता हूँ। छोड़ो उसको, से लैला मुझे दे दो। नहीं से सनी, लैला मुझे दे दो। सनी से इट, लैला मुझे दे दो। सनी सनी, इसको दे दो। तुम नहीं दोगे तो मैं दे दूंगा। मैं क्या पूरा पटाया दे देगा। लेकिन भगवान के वास्ते मेरे रूम के इंटरकॉम बटन से अपना हाथ हटाओ ताकि मैं आराम से अकेला सो सकूं।
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ये बुढ़ा और व्हीलचेयर की औलाद इतनी दोपहर को कच्चे बनियान में कसरत क्यों कर रहे हैं? लगता है आपको बम्बू का बड़ा शौक है। लेकिन सर, इतनी दोपहर को किस चीज की तैयारी हो रही है? हमारे खानदान के खानदानी गेम की, द वेडिंग गेम। क्या ये चीज? ये अलग अलग स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन है, पेंट बॉल से लेकर टग ऑफ वॉर तक। और अब वॉर के लिए जाकर तैयार हो जा। चला चल 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 जा जा। Thank you God. नहीं मम्मी। मजा आ गया। लिली, इधर आओ। लिली इधर आओ। इधर आओ। आ रही हूँ। Oh shit. कुछ अलग गेम खेलना चाहिए। जैसे? कबड्डी। तू कबड्डी खेलेगा? हाँ, ताकि मैं बोल सकूं दे चड्डी दे चड्डी दे चड्डी दे चड्डी दे चड्डी दे चड्डी दे चड्डी। हाँ, दो चड्डी। अबे हट। अब तुम्हारी बारी। ओके। जंगल में नाचे मोर किसने देखा? नहीं 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 अपने बंदूक से मेरे इस कोमल बदन को कर दे चलनी, अपने रंग से भर दे मेरा अंग अंग, बलम पिचकारी मार दे मुझे प्यारी। छोड़ दे मेरे सनी को। अरे तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरी माँ बहन कर दी है। ये सब तुम्हारी वजह से। तू मेरी सिस्टर है लेकिन सनी मेरा बिस्तर है। I am a snake.
अबे उस हैंडीकैप ने मेरे नी कैप्स तोड़ दिए यार। इससे तो अच्छा होता कि हम उसके साथ लंगड़ी खेलते। वो साला लंगड़ा हमको लंगड़ी में भी हरा देते। सबसे बुरी बात ये है कि उसने लिली के सामने मेरी बैंड बजा दी। अब हम दोनों की शादी का बैंड कैसे बजेगा? हाँ यार, तू एक काम कर, तू जाकर लिली को बोल कि तू जानबूझकर देश प्रेमी से हारा था ताकि उसे बुरा नहीं लगे। अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया ना। मैं उसे जाकर ढूंढता हूँ। सॉरी, मैं गलती से आपसे बैंग हो गया। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे बार बार टकराओ। छोड़ो ना लैला, छोड़ो ना। लैला नहीं, तुम्हारा मजनू दास। यार दास, आज मेरे साथ हो जा बिंदास। तुम अंदर कैसे घुसे? तुम तो जानते हो कि मैं घुसने में एक्सपर्ट हूँ। मैंने हाउसकीपिंग के लड़के के हाथ में कुछ कड़क दे दिया। क्या कड़क? नोट, ताकि मुझे मिल जाए तुम्हारे होंठ। मेरी ना एक ही प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ पीती नहीं हूँ ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। बच्चों की दूध की बॉटल होती है ना, लिप्पल के साथ दैट मिल्क निकलता है, आप उसे चूसिएगा, आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और ख्वाहिश भी। तुमने कभी चूसी है लिप्पल? बहुत बार, बचपन से। बहुत मजा आता है। तो साथ में करते हैं ना, और मजा आएगा। आप एक काम करना, आप अपने कमरे में जाओ और अपना लिप्पल तैयार रखना, और मैं थोड़ी देर में आऊंगा और आपके साथ करूंगा। ओके बाय। देखो दास, देखो आज वैसे भी मुझे बहुत लगी है। हाँ, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ। मैडम, तुम्हारे जख्मों पे प्यार का मैडम। ओह गॉड, निकालने दो फ्रॉम पाउच। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पे जख्म ऐसे जैसे जान पे दाग। देखो दास, देखो कोई अंदर आ जाएगा ना, रूम में घुस जाएगा तो हमें देख लेगा। तुम अपने रूम में जाओ ना, तुम्हारे रूम में जाओ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन प्रॉमिस मी यू विल कम। And if you don't come, I'll make you come. Okay, I'll come. Go. जाने से पहले, let me give you a wo job. What? मेरा मतलब, मतलब तुम्हारे जख्मों पे ब्लो करना मेरा जॉब है। देखो, I can blow myself. Wow, so talented. Now go. Get to it soon. Bye. Go. Bump it up. I'll be waiting. Room number 69. जैसे जादूगर की जान उसके पोपट में होती है, वैसे अशिट की जान इस घोड़े ब्लैकी में है। और आज मैं ब्लैकी को नहलाऊंगा, ब्लैकी को धोऊंगा, ब्लैकी को इतना साफ सुथरा बनाऊंगा कि वो बुढ़ा खुद मुझे इस घोड़े पर बिठाकर लिली का दूल्हा बनाएगा। डिशके आओ। अबे पहले अपनी जिप तो बंद कर, सुबह से खुली है। सॉरी यार, ये पैंट को आदत है खुलते। खड़े हो जाओ देश प्रेमी, खड़े हो जाओ। तुझे मेरा सपना पूरा करना है, तुझे देश के लिए जंग लड़नी है। पापा, इसके जंग के लिए मेरे अंकल तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अरे ताकि तू मर्द बने। उठा मेरी गन, बी अ मैन। पापा, आई जस्ट वांट टू हैव फन विद अ मैन्स गन। दिस के आओ। गुड बॉय ब्लैकी,
गुड बॉय। मेरे को बार बार मार रहा है मुंह में पूंछ के साथ। अरे शुक्र कर लात नहीं मार रहा यार। सनी काम करना, इसकी पूंछ पकड़ना प्लीज। अरे ठीक है यार, पकड़ लेता हूँ। मैं इसका पिछवाड़ा साफ करता हूँ। ब्लैकी, अरे तेरी जीभ अभी भी खुली है। तू बंद कर ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बंद करता। तो दोस्ती के वास्ते कह रहा हूँ, कर ना प्लीज 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 कर। ये हुई ना। अरे यार ये पूछ तो ले गई। क्या किया तूने? अरे मैंने नहीं किया। अटैच किसे किया इसको? अरे क्या मैं अटक गया, क्या करूँ मैं? तो निकालने में मदद करना। ओके 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 ओके। अरे मुझे भी तो उठाओ तुम लोग। जाता हूँ। निकल रहे निकल रहे। Come on, Blackie. लड़की की काती, काती पे गोदा, गोरे की बम्बे जो मारा हथौड़ा। मेरा ब्लैकी, शर्म नहीं आती? बेशर्मो, तुम दोनों ने अपनी हवस और वासना की प्याज बुझाने के लिए मेरे ब्लैकी को भी अपना शिकार बना दिया। नहीं 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 सर, आपको गलतफहमी हो रही है। आपको गलतफहमी हो रही है, हम तो आपके ब्लैकी को सिर्फ नहलाना, उसे धोना चाहते थे, लेकिन गलती से पूंछ अटक गई क्योंकि सिर्फ खिसक गई सर। अब खिसक सब मेरी गई है, मेरी बंटू संभालूंगा तुम दोनों को। मतलब ये हर रोज अपाहिज होने का एक्टिंग करता है। चल साले की दोनों टांगे तोड़ देते हैं। अभी नहीं, रिजॉर्ट जाएंगे, इसके लौटने का इंतजार करेंगे, फिर पूरी फैमिली के सामने इसका बैंड बजाएंगे। चल गुड आइडिया, गुड आइडिया। चल सनी, आदित्य आओ आओ। शताब्दी, तू हमसे पहले कैसे पहुंचा रहे यहाँ पर? है? जिन पैरों पे वहाँ वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉकिंग कर रहा था उन्हीं से भाग के आया होगा। है? कमीने, सबके सामने अपाहिज होने का राग और असल में भाग मिलकर भाग। मैं घंटों से बैठकर तिरंगा सी रहा था। चुप कर ढोंगी। अबे जमीन पे कीड़े की तरह रेंग क्या रहा है? उठ, दिखा देंगे तू खड़ा हो सकता है। भाई मैं खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, बहुत जान है इन टांगों में। ये टांग हमका दे दे प्रेमी। ये टांग हमका दे दे प्रेमी। ये टांग हमका दे दे प्रेमी। चल मेरे शताब्दी, दुनिया को दिखा दे कि तू चल सकता है, दौड़ सकता है। गो। अरे देश प्रेमी, क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्यों मार रहे हो देश प्रेमी को? इस बेचारे को तुम लोग क्यों मार रहे हो? मिस्टर यू आर अ शिट, ये साला हॉट व्हील्स बेचारा नहीं है, हैंडीकैप होने का नाटक करता है, ये चल सकता है। हमने खुद इसे वॉकिंग स्ट्रीट पे चलते और नंगी पुंगी लड़कियों के साथ कमर मटकाते ठुमका लगाते देखा है। अरे गधो, जिसको तुम दोनों ने वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉक करते हुए देखा था वो देश प्रेमी नहीं, उसका जुड़वा भाई है। जुड़वा? हाँ, मेरा जुड़वा भाई देशद्रोही। आज मैं इस डबल बैरल से तुम दोनों को किसकियाँ करके ही रहूंगा। पापा, सनी के पर गोली चलाने से पहले आपको मुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। पापा तू हट जा, दांत मेरे सामने से हट जा, गोली चल जाएगी। नो पापा, हट जा तू मेरे सामने से। पापा, इट्स ओके पापा, ये गलती किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल। अरे इन्होंने आज बहुत गलतियाँ की है, सुबह ब्लैकी अब देश प्रेमी। पापा प्लीज, मेरे स्वागत मत लूट पापा प्लीज। अबे तेरे में बचाई क्या जो लुट जाएगा। बस बस पापा। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ लिली,
तुम्हें ये बताने के लिए कि आज ना हम जानते थे कि वॉकिंग स्ट्रीट में वो तुम्हारा देश प्रेमी नहीं था, उसका जुड़वा भाई। फिर तुमने ये हंगामा क्यों किया? डार्लिंग, देश प्रेमी को खड़ा करने के लिए। क्या? मुझको लगा कि हमारे मुक्के खा कर ना उसके अंदर का मर्द जाग जाएगा और तुम्हारा देश प्रेमी मतलब खड़ा हो जाएगा। आदित्य, you're so sweet. I know. पूल में कूल हो जाता हूँ आज। कह रहा है दिल्ली रंगीला, कब तक रहूंगा तन्हा डीला, आज अपने प्यार का पानी बरसा कर देख तुझे कैसे करता हूँ मैं भीगा। डोंट वरी ब्लैकी, आज की रात मैं ऐसा पहरा दूंगा कि कोई तेरे साथ अपना मुंह काला करने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। तेरे बम को कोई देखेगा भी तो उसे बम से उड़ा दूंगा। प्लीज क्या हूँ? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास एक और आइडिया है। क्या आइडिया? वो जो देश प्रेमी है ना उसको जला, नॉट एक्चुअली मेक हिम जेलस। कैसे? किसी हॉट और हैपनिंग हंक के साथ प्यार का नाटक कर। पहले अपनी बहन की तरह अपने कपड़ों का साइज रिड्यूस करो और किसी और को सिड्यूस करो। इससे छोटे कपड़े? जब वो तुमको किसी और के साथ देखेगा ना, तुम्हारा देश प्रेमी अपने आप खड़ा हो जाएगा। लेकिन हॉट हैंडसम हंक कहाँ से लाएंगे? जरा ध्यान से देखो, कहीं आसपास होगा। आस पास कोई नहीं है। फिर से देखो, आगे पीछे होगा। आगे पीछे कोई नहीं है। फिर सामने देख लो। सामने तो सिर्फ तुम हो। फिर मेरे साथ ही कर लो ना। तुम दिल से नहीं कह रहे हो। यार मैं मुंह से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ मैं और कहाँ से कहूँ। आदित्य, तुम सच में मेरे लिए प्यार का नाटक करोगे? लिली, मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक इतनी रियलिस्टिकली करूंगा ना कि तुम खुद भूल जाओगे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। शुरू करें क्या? न, 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 नाटक। देखते हैं सारे ऑल नाइट लॉन्ग, तुझे देखते हैं सारे, कोई सीटी मारे तो कोई एक मारे। कोई बोले कोने में चल, कोई बोले मेरे घर आना, कोई बोले लेट्स डू इट हियर, एक से एक तेरा दीवाना। अब मुझ पे है राजा ट्रेलर, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं। जल रही तीली है, हाय थोड़ी सी सख्ती है, थोड़ी सी नरमी है, चांद की ठंडक से भी चढ़ रही गर्मी है। आज चांदनी में तुझे मैं नहला दूं, देखेगा राजा ट्रेलर, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं।
देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं। कल रात मुझे ऐसे लग रहा था कि लिली के बदन के अंदर मेरे लिए सच में शोले भड़क रहे हैं। शोले? अबे मेरे यहाँ तो शोले का सीक्वल चल रहा है। बसंती भी मेरा टांगा चलाना चाह रही है और कब्बर का सांभा भी। अबे तू हंसना बंद कर, उस दास की वजह से अब मुझे डरावने सपने आने लगे हैं, जैसे कि मैं उसके मकड़ी के जाल में फंसी हुई एक मक्खी हूँ। नहीं, नहीं, नहीं! ये सुन। अब मेरा प्रॉब्लम सुन। लिली पास आती है तो उसका बाप रुक जाता है। अभी बेटी के साथ साथ मेरे को बाप को भी पटाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। कैसे करूं? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। चल चल तू जाके नारा शुरू कर, मैं भी टावा लेकर आता हूँ। चल जल्दी आ जा। रहना मिस्टर केले, क्योंकि आ रही है लैला लेले। अरे तू नहाया नहीं अभी तक? दो नंबर। ओह बोल ना, उस बुड्ढे को कैसे पटाऊं? कुछ गिफ्ट दे उसे, जैसे कोई महंगा परफ्यूम या बॉडी लोशन। ये वाला जो मैं यूज करता हूँ बहुत अच्छा है जी। इससे अच्छा ना मेरा वाला है। नहीं नहीं मेरा देख, मेरा बेटर है। तेरे वाले में क्या है जो मेरे वाले में नहीं है? ये देख मेरा कितना बड़ा है। ये पॉप्स आपके बदन का छन्न छन्न कर देगा। नहीं, 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 यार तू समझ नहीं रहा, जब बुढ़े के हाथ में देंगे तो उन्हें अच्छा तो लगना चाहिए ना। बेशर्मो मेरे हाथ में। और जब हिला के वो अपनी पूरी बॉडी पर मलेगा। बेशर्मो मैं मलूंगा तो एकदम रिफ्रेशिंग फील होनी चाहिए ना। वाह, इसलिए मेरा वाला अच्छा। गंदा तू, गंदा गंदा। ओके फाइन, आज रात को बुड्ढे को तेरा वाला ही दे देते हैं। रात को? इन्हें बेटी नहीं सर, बाप चाहिए सर। बाप रे बाप, गंदी बातें। बॉयज ईश प्राणनाथ। Meet my friend Steve. Hi. Huh? Listen, I want you to meet my friend Jeev. Hi. I want you to meet my friend Rajiv. Hi. Hi love. Aur main hu in sab ka Sanjeev. Yes. Ab ek hi rasta bacha hai. Sunny ko apna banane. मुझे वो करना होगा जो अब तक मैंने नहीं किया। तेरे ही बदली मैं धड़कन, अब तो सुन लेना मेरे हृदय दे कोने 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 दी, कोने कोने दी। हिला रहा है सर। सुनिए जी, मैं आपसे सच्चे मन से, हृदय के हर कोने से
श्रद्धा और पवित्रता के साथ तीन खूबसूरत शब्द कहना चाहती हूँ। I love you too. What nonsense! दिल टूट गया, लेकिन चूड़ियाँ नहीं टूट रही। मम्मी। लिली, मैं भी कच्चे तन सॉरी सच्चे मन और ऋतिक के हर कोने से और श्रद्धा और दीपिका और कटरीना और मतलब सब सबके साथ लिली डाले लिली बेटा खुशखबरी देश प्रेमी खुशखबरी सुनाओ। आज ही मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट आई है। याद है आपने झुक कर एम लेकर मेरी एक खास जगह पर जोर जोर से मुझे घूंसे मारे थे। उन्हीं घूंसों की वजह से मेरी सारी नसें खुल गई हैं। जी अब खून सही जगह दौड़ रहा। नहीं नहीं मैं अभी भी अपाहिज हूँ। गुड, लेकिन घुटनों के नीचे, घुटनों के ऊपर का सारा हिस्सा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ठीक है। हाँ, मतलब कल सुहाग रात के लिए मैं अपने पति का कर्तव्य बड़ी आसानी से निभा पाऊंगा। थैंक्स टू यू। चले सुहाग रात को बादाम का दूध जरूर पीऊंगा भाई, जरूर पीऊंगा भाई। घूंसे मारने से नसें कैसे खुलती है? मुझे मालूम है कि लिली मुझसे प्यार करती है, फिर वो देश प्रेमी से क्यों शादी कर रही है? क्योंकि जो दुख हमारी वासना लतिया माँ ने बाबूजी को दिया था, वो वही नाइंसाफी देश प्रेमी के साथ नहीं करना चाहती। ये वासना लतिया क्या है? सेक्स एडिक्ट स्वामी। जब तुम ऐसे हिंदी बोलती हो ना बेबी, बिल्कुल डॉल लगती हो। बेबी डॉल मीनिंग बालक गुड़िया। तुम दोनों अपना प्रेम रोग बंद करोगे और मेरी मदद करोगे या बनाना खाते रहोगे? आइडिया, एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। याद कर हमारे उस सुपर कूल फ्रेंड को जिसके साथ हम ग्रैंड मस्ती करते थे। ऑर्गेज्म आश्रम, यहाँ पर तो दीप का नाइट क्लब हुआ करता था, वन नाइट स्टैंड। ये आश्रम कहाँ से आ गया? हाउ डू आई नो? बाबाओं के बाबा, बाबा गैजम पधार रहे हैं। तो ओरिजिनल मस्ती ज्यादा था, ये बाबा गैजम कब बना? मैं बिना तन को छुए अपने मन की शक्ति से कन्याओं को मन गैजम देता हूँ। मन गैजम? मन गैजम क्या होते? गुरुजी भक्तों को माइंड बीप किया करते हैं। माइंड बीप? नमूनो, आओ नमूना दिखा दो। सब लिली की माँ सीमा की गलती है।
अगर वो उसके बाप यू आर अ शिट को धोखा नहीं देती तो आज वो उसके खातिर देश प्रेमी से शादी नहीं करती। यू आर अ शिट? यम्मी मम्मी, अरे यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो मैं बाबा के चरण में शरण लेती हूँ। बरसों से ये मेरा माइंड बीट कर रहे हैं। सीमा सीमा सीमा, अब वक्त हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से जाके मिलो। I wish मैं तुम्हारी और मदद करता, लेकिन unfortunately मेरा special appearance यही तक था। So why don't you guys just, you know, deep off, exactly। और हाँ, मंडप पहुँच से चिल्ला देना, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सीमा, मम्मी, माँ, चाचू माँ आ गए भाई। मॉम, मस्ती ज़्यादे, मस्ती ज़्यादे, मस्ती ज़्यादे, मस्ती ज़्यादे। तुम यहाँ कैसे? ये तो सनी और आदित्य की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। मुझे इन दोनों को पहले दिन ही गोली मार देनी चाहिए थी। ढिस क्या हो? पति का धर्म होता है अपनी बीवी को खुश करना। आए? तुम हमेशा मुझे कुछ बीपी देते थे। आज यही वजह है कि यहाँ हर एक आदमी ने मेरे बेडरूम का छत देखा है। बताओ कौन कौन मेरा आशिक था, बताओ। अबे पंडित, यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी। क्या तू चाहती है कि तेरी बेटी की शादी में तेरे सारे आशिक इस तरह अपना हाथ उठाए? नहीं, भाग जा बेटी, भाग जा। उतर के पकड़ो। हो यहाँ, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अरे रुक, रुक जा कमीने, मेरी लैला को मैला करने निकला था है? देश प्रेमी आदित्य मेरा सच्चा नहीं, परेश रावल नहीं, प्यार है। आदित्य, छोड़ो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम रंडवे हो जाओगे, सब लोग कहेंगे देखो वो जा रहा है। अशित रंडवा, अशित रंडवा, अशित रंडवा, अशित रंडवा, अशित रंडवा। मेरी गन, मेरी गन। पापा के लिए उनका गन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। गिर साले।
पाम अताब से छिपा दी। अबे तू चुप कर। मेरी गन। छोड़ो मुझे। ले। अबे छोड़ मुझे। मेरी गन। अरे मुझे कर। मेरी पूछ, मेरे घर की खेती उजाड़ दी कुत्ते। चिमटा चिमटी के बाद काटा कूटी, जैसे बकरा बकरी के बाद टुकड़ा टुकड़ी, या लड़की लड़की के बाद लड़का लड़की। चुप करो। अरे तुम लोग टाइमिंग के साथ राइमिंग नहीं कर सकते। वहाँ देखो आइडिया निकालो, नहीं तो हमारी मूली भाव गाजर मूली की तरह कट जाएगी। अरे सासू माँ कुछ आइडिया तो निकालो। अरे बेटा मैं क्या आइडिया निकालूं? आज तक तो मैंने सिर्फ कपड़े ही निकाले बेटा। अरे हाँ कैसे, तो मेरा कपड़े निकालो। अगर हम सब कपड़े फाड़ कर नंगे हो गए तो हम कपड़ों की रस्सी बनाकर घुमाकर लीवर भी अटकाकर मशीन बंद कर सकते हैं। कृष्णमो, तुम दोनों को मरते मरते भी मेरे खानदान को नंगा करना है। नहीं सर, ये पंगा कुछ ऐसा है, नंगा होना पड़ेगा प्लीज। मामी मैं कैसे ब्लाउज निकालूं? वो ब्लाउज किस काम की जो स्पाउस की जान न बचा सके। देखेगा राजा ट्रेलर, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम इनके काबिल नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे खाली हाथ। सर सर सर, लेकिन जाने से पहले देश प्रेमी जी आपकी मूछ वापस कैसे आ गई? ओ मुझे जाने दो प्रेमी, मैं आदित्य के बिना नहीं जी सकती। जाने दो बाबूजी, मैं सनी के बिना नहीं रह सकती। क्या लिली, क्या इस लड़के से ज्यादा तुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता? जा लिली, जा। अरे चली गई, किसके आऊं? क्या बात कर रहे हो? इस जन्म में तेरा, लेकिन अगले 6 जन्म में सनी सिर्फ मेरा। अरे कैसी बेहुदा औलाद पैदा की है? आप ही की है। किसके आओ? किसके आओ? लिपल तो चूस ले। सालों के बाद तुम्हारी देखी है मैंने। किसके आओ? सिक्का हिला तो पास।
देखेगा राजा ट्रेलर, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दो, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दो, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर। आता माजी टापकली। कहता है बंद कमरे में तू आके मिल, मेरे अरमानों को तू कर दे फुलफिल। छोटी बॉल्स के साथ ओह शिट शुरू करें। शिट शिट तुम्हारा तन और मन दोनों एक हो जाएंगे। बस ना बुजुर्ग औरत की बात कभी ना मानी। निकल जाती है टैग टू। और वीचर की औलाद इतनी दोपहर को फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।